हाँ संध्या, क्या हाल है? क्या आज रात निकल रहे हो? खैर पर चलो, लेट्स डू इट यार, इट्स बीन अ वाइल। डन है, ओके, सी या। थैंक्स टू गूगल मैप्स, इट इज रियली इजी टू नेविगेट एंड गो व्हेयरएवर यू वांट। और जैसे कि आप देख रहे हैं, डिफेंस से लगभग 7 घंटे का रास्ता है। सो हम अराउंड 10:30 बजे रात को निकले और गंबट पहुंचे एट अराउंड 4:30, व्हिच इज अ वेरी क्लोज टाउन टू खैरपुर सिटी। तो वेयर इन खैरपुर राइट नाउ। अभी खैरपुर में एक छोटी जगह है गंबट, वहाँ हम रैंडमली अभी सुबह का 4:30 बज रहा है और हम उठे नहीं हैं, कराची से आए हैं डायरेक्ट। वे गोइंग टू खैरपुर सिटी एट अ फ्रेंड्स प्लेस। हमने कुछ खाया हुआ नहीं था और हम रैंडमली यहाँ रुके हैं। ये मेरा सिंध का पहला ट्रिप नहीं है, कई बार आया हूँ, रेगुलर आता रहा हूँ। एंड आई ट्रस्ट मी नॉट गो टू एनी रैंडम होटल इन सिंध एंड दे आर द बेस्ट ब्रेकफास्ट और फूड यू एवर हैव। एंड यहाँ हमने आके चाय पिए, पराठे खाए, चने खाए एंड दे वाज मैग्निफिसेंट। सो प्रेजेंटली यार अभी हम खैरपुर सिटी में बैठे हैं एंड वी आर हेडिंग ऑफ टू मेहरानो, फैज़ महल है। तो सुबह नाश्ता वाश्ता करके तैयार होके बस रेडी हैं, वी जस्ट वेटिंग फॉर शेरी। शेरी कहाँ है? हम फैज़ महल। इधर देख के बोलो, फैज़ महल। लेट्स डू दिस, चेक आउट करो। This is the fantastic Faiz Mahal, built by Mir Sohrab Khan in 1798. This was the royal palace complex of the Talpur monarchs of the Khairpur dynasty. The Talpur family ruled Khairpur from 1783 to 1955. And this is built around an area of 12 acres and took 13 years to complete. इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसका स्टोन जो यूज़ हुआ है वो जोधपुर से लाया गया था एंड लाइमस्टोन भी यूज़ हुआ है। इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटीफुल गार्डन्स ऑल अराउंड व्हिच आर स्टिल केप्ट इन द बेस्ट पॉसिबल शेप एंड आर टेकन केयर बाय द सेम फैमिली। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट खैरपुर वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बिफोर 1955 एंड देन became part of Pakistan. पहिरियों बादशाह में मीर सोहराब खान टालपुर जे रियासत जो बुनियाद रखियो। मीर सोहराब खान हुकूमत 1783 खां 1830 ताईं अब्बासन की शिकस्त हिन ॾींहुं मीर सोहराब खान हे यया खान बीठो अथसि अयूब खान असगर खान एड मार्शल उहे कारपेटा 106 साल पुराणो जिते बीठा आहिनि उहे कुर्सियूं सभु पयूं आहिनि हे उहे झूमर मथे सभु हलंदा हे शोके त झूला उन दौर जा आहिनि सभु हाणे पुराणा आहिनि त उन महिल ॾिसो साईं खैरपुर उरूज ते ई पाकिस्तान ज़ीरो थियो पाकिस्तान में पैसा अहिड़ी हुई सरकार 1954 में खैरपुर रियासत खे बजट में तालीम कयो सां तालीम ते खैरपुर केतिरो ख़र्चु कंदो पाकिस्तान केतिरो कंदो। वहां जाके मुझे अहसासु हुआ कि खैरपुर में बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता था, जैसे कि आप खुद देख रहे हैं। ये वही ओरिजिनल चीज़ें हैं जो उस वक्त से पढ़ी हैं यहाँ और बहुत ज्यादा ख्याल से रखी जाती है। सबजल पंजाब वो भी खैरपुर में असानी नौशहरो फिरोज तई रियासत खैरपुर जी थी ये हैदराबाद और मीरपुर का नंढी रियासतूं सजी सिंध जी भी टालपुर विरायूँ पा में रियासतूँ पूरो उन दौर जो पुराणो शीशो आहे पूरी जेकी बि चिटसाली थियल आहे हाथी जे ॾंदनि जी आहे। प्रेज़ेंटली बि इस महल का ख़्याल रखा जाता है हज अली मुराद ख़ान टालपुर। वॉज बॉर्न इन 1933 एंड टुक द थ्रोन इन 1947 व्हेन ही वाज जस्ट 13 एज सीन इन द पिक्चर जैसे आप देख रहे हैं विद लियाकत अली खान। ये भी असली है, रियल है सर। ये अली नाथ खान शिकार किया अखी ज़बान नकुल आहे जी The palace is still in immaculate condition with beautiful chandeliers,
amazing dining room, and many other places which are open to visit for the public, only after taking permission from the family. तो फैज महल का बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. दिस इज़ इन द मिडल ऑफ खैरपुर. खैरपुर वॉज अ स्टेट और बड़ी कमाल की स्टेट थी. जैसे भावलपुर है वैसे ही खैरपुर भी थी. और स्ट्रक्चर्स और वो सब तो आप देख रहे हैं. काफ़ी फिट सीन है यार. काथे आए हो तुम? सही फैज महल पे. जो कुछ बुधाए फैज महल के बारे में. सो यार बेसिकली ये जो ऊपर मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये पैरट्स के पिंजरे बने हुए हैं. तो खैरपुर की अपनी स्पीशीज़ है पैरट्स की. इन्होंने दरख्त में ही पिंजरे लगाए हुए हैं तो आराम से पैरट्स जो हैं वो उसी में रहते हैं. How was the experience? Amazing. Love it. क्या अच्छा लगा सबसे? Yeah, everything. The history, the culture, the garden. I mean, they maintained it really well, mashallah. What do you think of it? I think it's exceptional. Yeah. Yeah, साहब, कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं मेहरानो. क्या है मेहरानो? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो अभी हम जा रहे हैं मेहरानो, विच इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट्स अ फॉरेस्ट प्राइवेटली प्रिजर्व्ड बाय द तालपुर मीर रॉयल फैमिली ऑफ खैरपुर. मेहरानो इज होम टू अप्रॉक्सिमेटली 4,000 बिग गेम एनिमल्स, इंक्लूडिंग ब्लैक बक, इंडियन गजेल, हॉग डियर, वाइल्ड बोर, जिसको हम सुअर कहते हैं. एडिशनली यहाँ पे एक लेक भी है जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स साइबेरिया से आती हैं इन द विंटर्स रिलैक्स और चिल करते हैं. देखा जाए तो ये एक रिजर्व है फॉर टूरिस्ट. देखा जाए तो यहाँ पे सख्ती से किसी भी हिसाब की हंटिंग मना है सिवाय जैकल्स की एंड वाइल्ड बोर्स की. वाइल्ड बोर्स की भी सिर्फ तब अलाउड होती है जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी बढ़ जाती है एंड दे स्टार्ट अटैकिंग द फार्मर्स. तो उस हिसाब से तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है. द मेहरानो रिजर्व shares its boundary with the Chorestan Desert. यार अभी बहुत देर घूमने के बाद हम पाकिस्तान का फेवरेट जानवर ढूंढने जा रहे हैं, सुअर. बहुत कॉमन जानवर है लेकिन गांव वाला सुअर फ़र्क है. शहर में तो हर जगह सुअर हैं. गोडू केड़ो आ गोरवो कोई तो बिठवा जने के सारे बुखार आइंदा हूं. हां कण के भी खार को भी ये सब कर आइंदा हूं. नाला अच्छा अच्छा रखे है ना? किरे हिसाब से नाला रख दो. नाला है ना जो असा वडन कोठी हलन दा ना नाला रखेला. हाथी कोडू मकना वाला रही मां भूरा जावा ये सदते इंदा तंग करना है ने ए बिड़ांदा ना हमरा एका दो 8 टका लगा. अच्छा हां यार इस सुअर का शो देख के कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यार बड़ा यूनिक था. जब भी समझ में नहीं आ रहा मैंने देखा क्या एग्जैक्टली. टू बी ऑनेस्ट कोडू लोडू डोडू बरकुल बरकुल वी गोइंग टू द डक्स. ओके बरकू डोंट वरी कोडू. द डक्स में क्या क्या सीन है? कोई बाहर वाली वही है जो साइबेरियन? यस झील है जिसपे हम जा रहे हैं जहाँ पे सारी डक्स और वो जमा होते हैं. गोल्डन आर मेरा चल रहा है बट अनफॉर्चुनेटली गोल्डन आर नसीब नहीं हो रहा. सो हम लोग ने बहुत देर फाड़ा भी ढूंढने की कोशिश की एक दोस्त की जिद पे लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ. सो यहाँ के इंस्ट्रक्शन है कि खामोशी से जाना है वरना बर्ड वर्ड सारी उड़ जाएंगी. Try to keep, try to stay quiet. Cause sorry, birds jump on. Jump on the door. Let's see what happens. Try.
ये एक प्रॉपर स्पॉट है जहां बैठ के आप लोग आराम से डक्स को देख सकते हैं। हाउएवर यहाँ बिल्कुल शोर नहीं किया जा सकता और हम लोग तो जहलों की तरह बस गप्पे भी लगा रहे थे तो डक्स आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते थे। फिर हमने सोचा चलो इतना पीछे हो रही हैं तो तालियां बजा देते हैं और देखें फिर हुआ। सर नींद से फ्रेश होके संडे का दिन है सुबह तो निकल रहे हैं मोहनजोदड़ो। इट्स लाइक अ 2 आवर ड्राइव फ्रॉम खैरपुर तो वो करेंगे अभी सारे बॉयज साथ हैं सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। क्या है मेन्यू में बताओ? मेन्यू में खाने की बूटियाँ, देसी मुर्गी, बल्ली, पटाटे, दाल, चावल और रोटियां और बाकी स्ट्रॉबेरीज इन द इवनिंग, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फील्ड्स। सो फाइनली 2 घंटे बाद हम पहुंचे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मींस द माउंट ऑफ द डेड मैन। बिल्ट इन द 26th सेंचुरी, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ द एंशिएंट इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो अपने जमाने में सबसे एडवांस सिटी था। 1922 में मैनेजी साहब के मोकलो सज्जान मासल जो आसारी गदीमा जो हेड हुयो हवा दिसो छाए जैसे इतने स्टूपा के हेठ वह उनके सभी का पैरों यूनिकॉर्न की मोहर मिली वह खड़ी दिठों तो हि अस 1920 में हड़प्पा में मिली इतने भी मिली यह एक ही सिविलाइजेशन वो खोटराई कंदा वह तो खोट सारी शूं जाहिर सिर सेवरी सिस्टम उनके अलावा नक्शे के घर फैब्रिक आर्च वाली छत ये संगीत मिली अचो तबने के शेप देखा। टू बी ऑनेस्ट इट इज अनरियल टू इमेजिन हाउ ओल्ड दिस प्लेस इज एंड द काइंड ऑफ थिंग्स पीपल डिड बैक देन। आई वोंट से कि बहुत कोई आला कंडीशन में मोहनजोदड़ो लेकिन जुगाड़ू काम चल रहा है और जब चलता है जुगाड़ू काम तो फिर इंसान चल नहीं देता है, बस वो हिसाब किताब है। यहाँ जब आप आएंगे आपको गाइड खुद ही दिख जाएगा और आराम से वो आपको सारी चीज़ें हर चीज़ समझाएगा जैसे ये भाई हमारे साथ। हम अपनी तरफ से फुल पढ़े लिखे टूरिस्टों की तरह आए as you can see और ये है ड्रेनेज सिस्टम जिससे पानी हर घर से निकल रहा है और शहर से बाहर खुद भी निकल जाता है। ये है डिविनिटी स्ट्रीट जहाँ सिर्फ एजुकेटेड और अपर क्लास लोग एंटर हो सकते हैं, एक्चुअली द नोबल्स, और हम जैसे बेचारे गरीब जाहिल अलाउ ही नहीं थे। उस वक्त से सूबे में समझे क्लास सिस्टम चल रहा है और अब तक चलता ही आ रहा है। आई डोंट थिंक आजकल के लोगों की गलती है, बस अब यही कह सकते हैं और बचा क्या है। और हाँ ये चेक करें भाई उस जमाने का स्विमिंग पूल, इट्स अनबिलीवेबल टू इमेजिन कि उस वक्त क्या लेवल होगा इस जगह का। आज दिन तक देखा जाए पूल्स का सेम सिस्टम है, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा इस पूल में। जैसे कि आप देख रहे हैं दिस इज वेयर द वाटर यूज्ड टू कम फ्रॉम टू द पूल और जब खाली करना होता था यहीं से निकाल दिया जाता था। अच्छा कैंडिडेट करना है तुम्हें? अच्छा अच्छा पता लगे ना जैसे कोई साथ में भी आया, फिर मैं अकेला कैमरा नहीं घुमा। हमें शॉट्स वैसे होते हैं हमेशा, पता लग। ये यहाँ के लोकल टूरिस्ट हैं और आप इनके हालात तो देख ही रहे हैं कि लग रहा है ये बेचारे अब तक मोहनजोदड़ो के ही जमाने के हैं, क्योंकि बस अब सारी चीजें बोली तो नहीं जा सकती। सांभर है, डांसिंग हॉल, स्टैम्प्स हैं, सेल्स हैं, जो बुलकाट है, इन जो बोट हैं, हाउसेस हैं, ज्वेलरी बॉक्स मिले हैं, जो ये स्टूपा ठहल माटर हैं, जो मतलब घने अर्से कौन था कम से इतने दुकान नहीं बैठा सही तकरीबन 15 साल थे मुख्य बैंक क्लास में पढ़ा फाइनल छाया हुआ तो हमें तकरीबन 15 साल थे फेल कहते हैं तो ये सब तुम पान छाई जी जी बिल्कुल। सो यही अंदर मोहनजोदड़ो के ही इनका म्यूजियम बना हुआ है
जैसा ये मुल्क काम चलाओ हालात में है, वैसे ही इसका म्यूजियम भी काम चलाओ हालात में है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक और उस ज़माने की चीज़ें अब तक प्रिजर्व की हुई हैं और यहाँ रखी हुई हैं। अपने बॉयज ने सोच लिया था कि आज जितनी नॉलेज मिले कम है, एंड साथ ही में हमें गोरे भी दिख गए, तो फिर तो बड़ी खुशी हुई यार दिल से। इस बेचारी आंटी को देखें, इनको पर्दा करवाया है और अजरक पहना दी है। जाहिर है भाई मॉल के हिसाब से चलना है। इनकी ज्वेलरी देखें आप, जो उस जमाने की है, कमाल है भाई। ये देखें, ये तबलीग की प्लानिंग चल रही है, तबलीग का हिसाब किताब चल रहा है। बस इसको देख के हमने अंदाज़ा लगा लिया कि चलो भाई निकलने का टाइम। शिकार किसका करेंगे? शिकार कोई नहीं करेगा। ऐसे हम राउंड मारने आए हैं देखने के लिए दरिया किनारे क्या हो गया। गुड। हेलो भाई, सफाई थे। सूंघ के देखो। सूंघ के तो नहीं देखा सर। द वंस आई पार्टी विद द ओल्ड स्कूल। या आई हैव, दिस इज अ रिपीटर एंड आई हैव ब्रॉट अनदर एज वेल। ये गोली सुन ना, हम चारों एक गाड़ी में होंगे ना। हां कर सकते हैं। जरूरी हां, अभी जरूरी तो नहीं है, पर वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। जीप है ना, तो अलग-अलग गाड़ी में। हम तैयार हैं। रोड संगल है। हाँ तैयार है। क्या प्रोग्राम है? साढ़े बारह के प्रोग्राम है। Get away, shimmy shimmy, yeah, I got the semi-four way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and tried to locate. This for the time, got time for no day. One, too many, I'm going. Two, too crazy and I got bad ones and they ready. Four, a good time, so now it's in the whip we left at. Can't remember anything, but I know we got lit, 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 lit. आखिर इतना घूमने के बाद किस्मत ही एक खरगोश नसीब हुआ जो बिल्कुल हमारे सामने से गुजरा और हमने फायर भी मारे, लेकिन बस भाई वो जिंदगी लेके आया क्योंकि हम सारे अनाड़ी थे ना। फायर करने के बाद भी कुछ नसीब ही नहीं हुआ। खैर सारी ख्वारी सब कुछ करने के बाद आखिर हम लोग खाने पे, और बस क्या खाना था भाई, अमेजिंग फ्रेश फूड एंड द होल हेक्टिक ट्रिप ऑफ दिस हंटिंग वाज वर्थ। आई होप आप लोग को भी मेरे सिंध के छोटे से ट्रिप को देख के मज़ा आया और आपकी नॉलेज में हल्का फुल्का इजाफा हुआ, क्योंकि अब फारिक चीज़ें बनाने का दिल नहीं चाहता, तो बस बंदा जब जाए तो कुछ दिखाए। तो टिल नेक्स्ट टाइम, जब कोई ट्रिप नसीब हो या कुछ दिखाने के लायक हो फिर आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए साउथ एशियन साईं की तरफ से बाय बाय।